हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं वियाग्रा टेबलेट के बारे में, या फिर आपने इसका दूसरा नाम भी सुना होगा विगोरे, जो जेनरिक में आती है, या फिर एक और नाम से आती है डिजाग्रा। ठीक है, ये तीन चार ज़्यादा ही पॉपुलर नाम है। आज हम इस टेबलेट के बारे में बात कर लेंगे, जैसे कि इसका जानेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करा जाता है, और इसकी डोज एडल्ट के लिए कितनी डोज होती है वो देखेंगे। ठीक है, और इसकी डोजेस फॉर्म कौन कौन सी आती हैं वो देखेंगे। फिर इसके देखेंगे कौन कौन से ब्रांड से आती है, ठीक है, ये जो वियाग्रा डिजाग्रा या विगोरे है, ये कौन कौन से ब्रांड नाम से आती है, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद देखेंगे इसका MRP कितना होता है और रेट कितना होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं। ये जो टैबलेट है मेनली जो लोग हैं सेक्स परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी टैबलेट के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। अब बात करते हैं ये जो सिल्डेनाफिल सॉल्ट है या वियाग्रा डिजाग्रा या फिर विगोरे जो टैबलेट है, ये किस लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, इसके यूज या उपयोग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो वियाग्रा टैबलेट है इसका यूज़ वो लोग करते हैं जिनका लिंग ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। जब वो सेक्स करने जाते हैं या सेक्स कर रहे होते हैं तो जो उनका लिंग है जो है ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे करते हैं फिर थोड़ी देर में उनका इजैकुलेशन हो जाता है, मतलब वीर्यस्खलन हो जाता है, फिर लिंग उत्तेजित नहीं रहता है, ठीक है। तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है सिल्डेनाफिल इज़ यूज टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्पोर्टेंस इनएबिलिटी टू गेट और कीप एन इरेक्शन इन मेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनका टाइम कम होता है, ठीक है, जिनका लिंग खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो सिल्डेनाफिल या वियाग्रा टैबलेट है इसके और क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है। तो ये इसका यूज़ करते हैं जैसे वो लोग करते हैं जिनका खड़ा नहीं होता बिल्कुल भी, या फिर जिनका खड़ा होता है और जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा हो पाता है, ठीक है, या फिर जिनका जल्दी निकल जाता है, वीर्यस्खलन जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये वो लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक जेनरिक दवा सिल्डेनाफिल का ब्रांड नेम है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पुरुषों की यौन क्षमता यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुरुषों में होने वाली सबसे कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करने के लिए अक्सर लोग वियाग्रा सेवन करते हैं, ठीक है। सो गाइज, अब बात करते हैं कि वियाग्रा टैबलेट कैसे खाना चाहिए, ठीक है, अगर आप ये खाना चाहते हैं तो आपको कैसे खाना चाहिए और कितनी देर पहले खाना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि आ डोज ऑफ वियाग्रा शुड बी टेकन बाय माउथ अबव 1 hour पीरियड टू सेक्सुअल एक्टिविटी बट मे बी टेकन 30 minutes टू 4 hours बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। ट्राई टू रिलैक्स एंड रिमेंबर दैट वियाग्रा डज नॉट वर्क विदाउट स्टिमुलेशन सो टेक योर टाइम टू गेट इन द मूड। मतलब कि वियाग्रा टैबलेट कैसे खाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, वियाग्रा का इस्तेमाल खाने के बाद या बिना खाए किया जा सकता है। अगर अपने पेट भर कर खाना खाया है तो ये असर दिखाने में थोड़ा समय लेगा, इसे सेक्स करने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, अगर हम वियाग्रा की डोज़ की बात करें कि कितने mg खाना चाहिए या कितने mg की आती हैं, तो जो वियाग्रा डिजाग्रा ये सारा जो सिल्डेनाफिल साल्ट है, जो सिल्डेनाफिल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो 25 mg में आती है। वियाग्रा टेबलेट 25 mg में आती है, 50 mg में आती है, 100 mg में आती है, और इसकी जो जेलीज होती हैं या स्प्रे होती है या सिरप होती है वो और भी कम mg में आती हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर से पूछ के लेंगे कि आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है और आपको कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये नहीं कि आपको 100% प्रॉब्लम हो, तो उसके हिसाब से mg डिसाइड होती है। अगर हम वियाग्रा टैबलेट या फिर जो वियाग्रा टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट मेडिसिन होती है जिसका नाम है सिल्डेनाफिल, अगर हम उसके डोजेस फॉर्म की बात करें कि वो और कौन कौन सी डोजेस फॉर्म में आती है, तो वो आती है, एक तो सबसे पहले टैबलेट फॉर्म में आती है जो कि ज़्यादातर अक्सर यूज़ करी जाती है, टैबलेट ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद उसकी जेली आती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म आता है। उसके बाद उसका सस्पेंशन आता है, मतलब कि सिरप टाइप आता है, ठीक है।
और उसके बाद आता है स्प्रे आता है, ठीक है, स्प्रे भी आता है जो सीधे माउथ में लेते हैं। इतने सारे डोजेस फॉर्म अवेलेबल हैं मार्केट में जो सिल्डेनाफिल साल्ट होता है, मतलब कि जो बियाग्रा टैबलेट है ये ब्रांड नेम है। बियाग्रा टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कि जो मेडिसिन होती है जो एक्चुअल में काम करती है वो है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल इतने फॉर्म्स में आती है। सो गाइज, अगर हम वियाग्रा टैबलेट के अदर जेनरिक ब्रांड नेम्स की बात करें तो एक तो जो ओरिजिनल आते हैं जिस पेटेंट है जो वो है वियाग्रा नाम से आती है जो फाइजर कंपनी की है। बाकी इसके जो अदर जेनरिक नेम है वो है विगोरे, डिजैग्रा, मैन फोर्स जो मैनकाइंड की आती है, ठीक है, और बिग फन, और भी कई नामों से आती है जो कि आप देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल है। ज़्यादातर चलती है विगोरे नाम से आती है जर्मन रेमडीज़ की, जो लाल सी टैबलेट होती है वो चलती है, या फिर डिजैग्रा चलती है, ठीक है, या फिर मैन फोर्स मैनकाइंड वाली चलती है, ठीक है। जो वियाग्रा ओरिजिनल फाइजर वाली है वो तो कोई कोई खाता है, वो तो 700 रुपये की एक गोली है, ठीक है, बाकी जेनरिक सस्ती पड़ती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं MRP और रेट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं वियाग्रा ओरिजिनल टैबलेट का दो गोलियों का MRP है 1055 पड़ेगी, 981 रुपये की दो टैबलेट पड़ेंगी। ये है मैन फोर्स, इसकी चार टैबलेट की MRP है 255 पड़ेगी 237 की, ठीक है। ये मैं 100 इसमें MG देख सकते हैं कि मैं कितने MG की बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है विगोरे 100, ठीक है, विगोरे 100 की चार गोलियों का MRP है 116 राउंड, आपको डिस्काउंट करके पड़ेगी है 78 रुपये की, मतलब कि ये 20 रुपये की गोली मिली। फिर उसके बाद आती है डिजैग्रा, जो ये डिजैग्रा है ये भी इसका भी 150 MRP होता है अराउंड, और ये भी 30 रुपये की गोली पड़ती है, ठीक है। इसमें एक और सॉल्ट होता है डेपोक्सेटीन नाम से, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है, इसे कहते हैं कि सिर दर्द नहीं होता, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल वाली है वो महंगी ज़्यादा है। ओरिजिनल जो ब्रांडेड है जो असली कंपनी की है वो जैसे मैनकाइंड वाली ओरिजिनल है वो, और उसके बाद फाइजर की सबसे महंगी है। उससे सस्ती है मैनकाइंड वाली, फिर उससे सस्ती है विगोरे, फिर उससे सस्ती है अपना डिजैग्रा का भी रेट जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही होता है विगोरे जितना, 20-30 रुपये की गोली होती है, ठीक है। बाकी की सारी सस्ती आती हैं, 20 रुपये की, 10 रुपये की, 15 रुपये की गोलियाँ आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो वियाग्रा, डिजैग्रा, सिल्डेनाफिल या फिर जो भी सिल्डेनाफिल की डोजेस फॉर्म है, इसको लेने के लिए डॉक्टर का पर्चे की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, ठीक है। सो आप इस पर क्लियर देख सकते हैं कि इस पर लिखा है विगोरे 100 MG या जो भी MG टैबलेट एक डॉक्टर के पर्चे की दवा है, ठीक है, तो आपको पर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अब लास्ट में देख लेते हैं कि वियाग्रा टैबलेट या सिल्डेनाफिल सॉल्ट लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं लिखा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है हेडेक हो सकता है, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग हो सकती है, ठीक है, स्किन रेडनेस हो सकती है, और नेजल कंजक्शन मतलब कि स्टफी नोज हो सकती है, ठीक है, डिजनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, डायपेप्सिया हो सकता है, हॉट फ्लैशेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं, ठीक है, कई लोगों में नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, कई लोगों में हो सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर तो हार्ट और BP वाले पेशेंट को तो लेनी नहीं चाहिए टैबलेट मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं वो। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो पसंद आ ही होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, नॉलेजेबल लगा, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं सबसे पहले तो, और दूसरा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है, किसी नए टॉपिक।